गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है राजमा चावल, जो हम सब के पसंदा होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए टू सी मोर अमेजिंग रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं वो है राजमा, जो मैंने रात से भिगो के रख दिए हैं। इधर हमें चाहिए प्याज, धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, कुछ टमाटर और ये खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, देसी मसाले। और मैंने राजमा भिगो के रखे थे, उसे धोकर मैंने इसमें चढ़ा दिए कुकर में। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और कुकर बंद करके इसे गैस पर चढ़ा दूंगी। राजमा हमारे उबल गए हैं, 8 से 10 सीटियों में मेरे उबले हैं। आप देख लीजिए, ये अपने अपने प्रेशर कुकर पर डिपेंड करता है कि कितनी सीटियों में उबलते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब उसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। इसमें हम अपने तेज पत्ता डाल देंगे। मैंने जो बाकी खड़े मसाले थे, जैसे कि लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये दालचीनी, ये सबको मैंने अपने टमाटरों के साथ पीस दिए हैं, जो देख सकते हैं आप। ये हमारे टमाटर बन के रेडी हैं पीसकर, और ये हमने अदरक, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, सबका ये पेस्ट है, और ये टमाटर और खड़े मसालों का पेस्ट है। तो अब मैं इसमें प्याज का अपना पेस्ट ऐड कर दूंगी। प्याज को आपको थोड़ा ब्राउन पेस्ट कलर का हो जाए तब तक भूनना है। जब तक प्याज का ब्राउन कलर नहीं आ जाता आप इसको भूनते रहें अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दे रही हूँ और आप इसको हिलाते रहें, नहीं तो प्याज जो है वो नीचे बेस में लग जाता है। आप देख सकते हैं प्याज ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, ये थोड़ा ब्राउन शेड में आ गया है। तो अब मैं इसमें अपने टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। ये टमाटर का पेस्ट के साथ मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, ये सब अच्छे से मिल जाएगा और जब ये पक जाएगा तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। जो आप टमाटर में कालापन देख रहे हैं वो हमारे खड़े मसालों के कारण है, जो आपने लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सब जो हमने पीस के डाली है वो उसके कारण हो रही है। इसके कारण जो राजमा में है जो फ्लेवर है बहुत एनहांस होके निकलेगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन कौन से मसाले इसमें डले हैं, क्योंकि लोगों को कुछ कुछ लोगों को मुँह पर आए तो वो पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसमें पीस के डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो पेस्ट हमने डाला हुआ है वो आधा पक चुका है, अब इसमें हम मसाले डाल दे रहे हैं कि जिससे कि ये भी पक जाए। आधा चम्मच हल्दी डाली है मैंने, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप और मिर्चें अपने हिसाब से मिला सकते हैं। नमक मैं पहले मिला चुकी हूँ, उबालते टाइम थोड़ा सा ही डाला था और थोड़ा सा भी डाल रही हूँ, आप अपना स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। धनिया मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, एक कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ,
कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है, जिससे कि फ्लेवर जो है बहुत इन्हांस हो जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है कसूरी मेथी से। तो ये अगर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पका हो और सारे मसाले इसके साथ मिल गए हों, तभी जो है हमारा कोई भी चीज़ अच्छे से खिल के निकलेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पका हो मसालों से मिलकर। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ये जो मसाला हमने रेडी किया है इसको मैं अभी यहाँ साइड में रख दूंगी, और ये जो हमने कुकर उबाल के रखा थे राजमा, उसमें ये अपना मसाले का पेस्ट डाल दूंगी। अच्छे से मिला लूंगा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना मसाला डाल दिया और इसको मिला लिया है, और कितने अच्छे से ये मिल गया है। अच्छे से और मिलाने के लिए इसको मैं अभी 2-3 सीटियां और डलवाऊंगी। ये हम ढाबा स्टाइल राजमा बना रहे हैं, तो जो हमारे ढाबा स्टाइल राजमा होते हैं वो खिले खिले के साथ साथ थोड़े दबे दबे होते हैं, वो ना थोड़े राजमा को दबा देते हैं जिससे उनकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाती है। तो हम भी यही करेंगे, इसको 2-3 सीटियां डलवाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। देख सकते हैं हमारे राजमा बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा अपनी कड़छी से दबा के फेंक सकते हैं जिससे कि ये गाढ़े बन जाए, और आप देख लीजिए कितने गाढ़े बने हैं हमारे राजमा। ये यहाँ तक थे, इसका हमने सीटी लगवा के 2-3 सीटियाँ लगवा लीजिए। आपको अगर लगे कम है तो आप 1-2 सीटी और लगवा लीजिए। तो ये हमारे राजमा बनके तैयार है। इसमें मैं ऊपर से धनिया से गार्निश कर देती हूँ। मैंने कुकर चला दिया, अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे। अब ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे इसे डाल देंगे। हमने चावल डाल दिया, अब पहले मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें वाटर डाल दूंगी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब इसको एक बार मिला लेंगे। जैसे अगर आपके 2 ग्लास चावल है तो आप 2.5 ग्लास पानी डाल सकते हैं, और अगर 2.5 ग्लास चावल है तो 3 ग्लास पानी डाल दीजिए। अब मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। आप देख सकते हैं हमारे चावल बनके रेडी हो गए हैं। मैंने इसमें 2 सीटियां लगवाई हैं, और कितने खिले खिले चावल बने हैं ये देखिए आप। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे राजमा चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिए। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके किसी काम की आई हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो कि आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहेंगे, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू सी मोर वीडियोज़।